बहन वेलकम माय यूट्यूब चैनल और यहाँ पे देखिए नागिन डांस हो रहा। आज आपको फिर फुल एंजॉय करने को मिलेगा। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मस्ती भरी वीडियो। हमारा डांस, देवर जी का डांस, सभी ने डांस किया है तो ज़रूर देखिएगा। मम्मी वाला डांस पूरा 5 मिनट का है। तो गाइस यहाँ पर लावा भूलने की रस्म हो रही है। मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करके यानी कि फ्रंट कैमरे से सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी। और ये है बुआ को साड़ी दी जा रही, जो मेघ में लावा जब भूनते हैं तो इसे साड़ी को पहन कर या ओढ़ कर किसी तरीके से, मतलब आपको लावा भूनना रहता है उसी तरीके से आपको लावा भूनना है। तो यहाँ पर बुआ ने साड़ी रख ली है और ये इसको ओढ़ेंगी भी, यानी मम्मी मेरी जो है वो बोल रही हैं। और मैं, ये मेरी मौसी जो मुझसे बोल रही थी नहीं पहचानी, मज़ा ले रही है। तो बस यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, लावा भूख रहे हैं। यहाँ पे गाना होता है, हंसी मजाक होती है, सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। अगर मैं फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्ड करती तो घूंघट के अंदर से मुझे रिकॉर्ड करना था, क्योंकि इस टाइम बाहर के लोग भी थे तो कोई मतलब ही ना होता, मेरा फेस भी नहीं दिखता और आप लोगों को मज़ा भी नहीं आता। तो इसी वजह से मैंने जितनी रिकॉर्डिंग की है सारी बैक कैमरे से, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए गाना हो रहा है, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए। साथ ही साथ आज आपको मम्मी का डांस देखने को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, 5 मिनट की पूरी उनकी वीडियो यानी कि 5-4 मिनट की ऐसी है। और अगर आप लोगों को मेरी और वीडियो देखनी है जो मैं डांस की हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने डांस किया, तो आप मुझे टिकटॉक और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ मैं छोटी छोटी क्लिप ऐड करूँगी, सारी यहाँ पे तो नहीं ऐड कर सकती, कॉपीराइट आ जाएगा और मम्मी वाले में कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि वो नागिन गेम डांसर। तो इसी वजह से तो मम्मी का मैंने पूरा ऐड कर दिया, बट हमारा जो है आपको टिकटॉक और इंस्टा पे ही मिलेगा। तो आप टिकटॉक और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए देखिए पूरी रस्म लावा भूनने की, वहाँ की मैंने वॉइस बंद नहीं की। आप साथ ही साथ सुनिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए लावा भूज चुका है और उसके बाद लावा भूजने के बाद काफ़ी ज़्यादा सभी लोगों ने इन्जॉय किया था, हंसी मजाक इतना ज़्यादा हो रहा था। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत लीजिएगा, हो सकता है कुछ लोग बैड कमेंट भी करें, बट यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। वो होता है, सबके गाँव में हंसी मजाक होता है, बट जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उतना हम लोगों को नहीं पता चलता था, लेकिन जब से शादी हुई जिससे पता चल गया, क्योंकि जहाँ औरतें रहती थी वहाँ हम लोग ज़्यादा नहीं जाते थे, अब तो वहीं रहना है तो इसी वजह से। और ये देखिए हंसी मजाक हो रहा है और बुआ ने साड़ी ओढ़ ली है, साड़ी बहुत ही प्यारी थी, सिंपल प्लेन में साड़ी दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे देखने में, उस टाइप की मुझे बहुत पसंद आई थी पर्सनली साड़ी। और बस सभी लोग बैठे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी क्लिप ऐड करूँगी, फिर आप लोग डांस का एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होने लगा था तो मैं सोची क्या हो गया, मतलब हंसी मजाक हो रहा था तो मुझे लगा क्या हुआ, मैं अंदर कमरे में थी तो फिर मैं निकल के आई, देखने लगी क्या हो गया क्या हो गया। और ये हैं हीरो जी यानी कि जिनकी शादी है दूल्हे जी। और अब देखिए आप लोग इनका हंसी मजाक कितना ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक हुआ था। तो चलिए वॉइस ओवर करूँगी तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आप लोग इन्जॉय कीजिए। ना तो इसलिए कॉल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है।
नमस्ते दीदी। तो गाइस मुझे लगा कि थोड़ी सी मुझे आप लोगों से बातें कर लेनी चाहिए, तो इस टाइम मैं आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। थोड़ा सा मतलब कि लावा भुजा सारी चीज़ें हुई, हंसी मजाक हुआ, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और इसके बाद अभी थोड़ा सा हम डांस करेंगे, इंजॉय करेंगे। डांस तो करना ही करना है, फिर वो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बस थोड़ी सी बात करने के लिए आई थी, क्योंकि आप लोगों लोग ये दी बस सबको दिखा रही है, अपने आप को नहीं दिखा रही है। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी बात आप लोगों से मुझे कर लेनी चाहिए, तो बस इतनी बात कर पाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ अंदर, फिर मैं आप लोगों के साथ डांस वगैरह सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सारी चीज़ें देखिएगा ज़रूर, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। लास्ट में हो सकता है वीडियो का एंड ना कर पाऊँ, इसी वजह से अभी मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। बाबू देखिए कितने अच्छे से डांस कर रही है, हम लोगों के साथ इंजॉय वो भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा, वो भी डांस की थी ये देखिए। लेकिन रिकॉर्ड उतना नहीं हुआ जितना हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइज बस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। बारात वाली वीडियो का ज़रूर वेट करिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।